चले गए मोंटू बॉस। बचाओ मन्नो, करो बचाओ मोंटू बॉस। आप कहाँ हो? यहाँ हूँ। थैंक यू बोलो, सब जगह थैंक यू। तुझे ये बोलो थैंक यू। अरे वांट टू कॉल बॉस, बेचारा दब जाएगा। मोंटू इसमें थैंक यू कैसा, बच्चों को बचाना तो मेरा फर्ज है। क्या थोड़ी सी तारीफ कर दी, बन गया बल्लू लल्लू से बालवीर। अच्छा तो ठीक है, अब हम सब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ हर मोड़ हर जगह कोई ना कोई खतरा है। होना ये सूरज की ही किरण है, और यहां से आगे जाने का रास्ता ऊपर से ही। गलत सोच रहे थे, ये रोशनी ऊपर से नहीं नीचे से आ रही है। हाँ। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। बल्लू क्या नीचे भी कोई खतरा है? मानो तुम खुद देख लो। मुझे नीचे ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम सबकी बोलती बंद हो जा रही है? नीचे नीचे महर है। ओ महर। क्या? महर। चल बल्लू हम फौरन महर को यहाँ से लेकर चलते हैं। चल रुको, मानो पहले हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ तो ढूंढते हैं ना। मोंटू तू राइट जा,
रिकी और तुम दोनों लग जाओ। मैं कब से वहाँ होगी, अकेली होगी, उससे कब से डर लग रहा होगा। चल हम दोनों साथ में चलते हैं। मैं वहाँ कब से अकेली है, हमें उसे बचाना है ना। चल मानो 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 शांत शांत हो जाओ। हमें ये तो पता चल गया है कि महर सुरक्षित है। बस हमें वहां तक पहुंचना है और महर को यहाँ से लेकर जाना है। वहां रास्ता दिख रहा है, वहां चलते हैं। चलो तोबा तोबा, यहाँ इसका मतलब मेहर को भयंकर परी ने ही कैद किया है। लेकिन ये तोबा तोबा के साथ दूसरा नमूना कौन है? हेलो, हम पीछे आवाज नहीं। अरे इतनी भी नहीं। बलू हम रुक क्यों गए, हमें तो मेहर के पास जाना चाहिए। चलो। अरे नहीं जा सकते, क्योंकि वो देख वहाँ पे मेहर की पहरेदारी के लिए तोबा तोबा है। क्या है, सो जा। ए बल्लू, उन बच्चों का नाम तोबा तोबा है, तुझे कैसे पता? वो क्या है ना कि वो अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी तोबा हो जाएगी, और दो लोग हैं इसलिए तोबा 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 तोबा। बस फिर तो आपका नाम तोबा 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 होना चाहिए, क्योंकि आपका चार के बराबर हो ना। इप्पुकी जरा इधर आ। हो गया। ये बल्लू, उन बच्चों का साइज देख, अब भी देख, मैं उनकी पहरेदारी निकाल कर आता हूँ। अरे नहीं मोटू, हमें जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे बल्लू, जल्दबाजी हो या सोचकर, बॉस हमेशा गलत कदम ही उठाते हैं। ये मेरा मतलब है कि ये जगह मायावी है, और हो सकता है कि ये दोनों बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं बल्कि कोई शक्तिशाली और जादूगर हो। इसलिए हमें कोई ऐसी युक्ति बनानी चाहिए जिससे हम इन दोनों बच्चों को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके और मेहर को बचा सके। बस रहने दो ना, आपसे नहीं होगा। बल्लू कोई युक्ति बनाकर नहीं बल्कि गोरिल्ला बनाकर हमें मेहर को उनसे दूर करना पड़ेगा। गोरिल्ला? अरे तुम्हारे सामने ही तो है मोंटू बॉस, वही तो है गोरिल्ला। हमेशा मारते रहते, हम तो मार खाने के लिए आए। लेकिन चुप, लेकिन चुप। ठीक है ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था कि हमारे बैग में गोरिल्ला की ड्रेस पड़ी है, मोंटू बॉस उसे पहनकर उन दोनों को यहाँ से भगा सकते हैं। लेकिन तुम लोग गोरिल्ला की ड्रेस क्यों लाए हो? अरे मानव, वो क्या है ना, हमें लगा जंगल में अगर कोई जंगली जानवर हमारे सामने आ गया तो मोंटू बॉस गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर उनके सामने आ जाएंगे और उन दोनों को यहाँ से भगा देंगे, समझा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मजा नहीं हूँ, शाबाशी दे रहा हूँ। शाबाश, शाबाश। तो ठीक है मोंटू, तुम गोरिल्ला बनकर इन दोनों बच्चों को डरा देना और इन्हें तब तक भटका दे रहना जब तक हम मेहर को सुरक्षित नहीं कर लेते। हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने बुरा बच्चा बनकर अच्छे बच्चों को मारा है, लेकिन आज ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अच्छा बच्चा बनकर उन बुरे बच्चों की जमकर पिटाई करेगा। Thank you.
दोबारा, वरना 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 क्या, वरना लग जाएगी मुझे गोपा गोपा। और वैसे भी कर लो तुम भी थोड़ा आराम। कहा ना मैंने कि यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। कर लो थोड़ा आराम, सो जाओ। अरे कहा ना मैंने कि यहाँ कोई परिंदा। देख क्या है, कुछ भी तो नहीं। अरे ये देख, आ गया ये कहां से? देख कर आता हूँ कौन सा दरवाजा खुला रह गया। ए, मत जाओ मुझे छोड़ कर अकेला यहाँ पर गोपा गोपा। अब आप कौन महाशय? तोबा तोबा। चलो जल्दी चलो। ठीक है बल्लू, जब मम्मी पापा दादाजी दादी और रॉकी चाचू महर को देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। हाँ मानू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे पता नहीं है मानू, महर को देखकर मेरे दिल के ऊपर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। चल बल्लू, महर को उठाते हैं और वो भी हमें देखकर चौंक जाएगी। महर, महर, माना सोने देना। अरे महर महर उठो। अरे बल्लू, आप संडे है ना, सोने दे मुझे प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है वरना पीट दूंगी। लगता है भयंकर परी ने महर पे कोई जादू किया है, इसलिए वो नींद से उठ नहीं पा रही। महर उठो, महर। ये बुरी परी कौन? महर, मैं छल परी तुम्हारे समय समाप्ति की घोषणा करती हूँ। तो ये छल परी, लेकिन उसे तो रानी परी ने 150 वर्षों के लिए नींद में सुला दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई?
और ये मेहर को चोट क्यों पहुंचाना चाहती? लेकिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की आखिरी धुन सुनाने के लिए नींद से जगाना पड़ेगा। सपने में हूँ। सपना नहीं, सचमुच तुम काली अंधेरी गुफा में हो। तुम फिर से आ गई? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। हाँ, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ही तो भेजने आई हूँ मैं बहन। कितनी दूर कि आज के बाद ना तुम तुम्हारे किसी अपने के पास पहुँच पाओ और ना कोई अपना तुम तक। पर क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, बालवीर ने बिगाड़ी है हम सब बुरी शक्तियों की धुन। बालवीर की वजह से हम सब बुरी शक्तियों के सुर बिखर गए हैं, बेसुरे हो गए हम सब। इसलिए मैंने तुम्हें मोहरा बनाकर बालवीर के जीवन का संगीत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस तरह तुम्हारा महाशक्तिशाली बच्चों को बचाने वाला बालवीर अब बन गया है एक साधारण बच्चा। और अब छलपरी को मेहर की भी कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारे सासों की सरगम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। मेहर के भाई के होते हुए मेहर को कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे चल के आए हैं। और अगर यहाँ आए हैं तो मेहर को लेकर ही जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.